अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये बताइए, आज जो है नववर्ष है और किस प्रकार से आपका आपने यहाँ पे आयोजन रखा था? हिंदू नववर्ष की सबसे प्रथम तो पूरे देवास वासियों को बधाई देता हूँ, देना चाहता हूँ। दूसरी चीज, माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी और संस्था देवासनी ने विगत 22 जगह पर ये हिंदू नववर्ष मनाने के लिए पहल करी है। अनेकों चौराहे पे, 22 चौराहों पे हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है, उसी में एक कड़ी में विकास नगर चौराहे भी है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके से हिंदू नववर्ष हम मना रहे हैं, ऐसा भाव पैदा हो रहा है जब से रामलीला की प्रतिष्ठा हुई है, जब से देश में एक अलग सा माहौल है। मैं सभी को मेरी ओर से और माननीय सांसद जी की ओर से मोदी जी की राम राम कहना चाहता हूँ। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय श्री राम। आपका नाम? अजय तोमर। बताइए, किस प्रकार का यहाँ पर आपने आयोजन कराया, हिंदू नववर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे?
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सनातन संस्कृति का हमेशा अग्रसर होकर पालन करता रहा है। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हमने सभी सनातनियों को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर नववर्ष की शुभकामना प्रेषित की और सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देकर आज नववर्ष का जो वर्ष प्रतिपदा का नया वर्ष आया है उसका अभिवादन किया। आपका नाम बताइए। संदीप चौबे, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, आपका किस तरह का आयोजन चल रहा है यहाँ पे? संस्था देवाश्री द्वारा लगातार सनातन धर्म को बढ़ावे के उद्देश्य से आज हिंदू नववर्ष प्रकृति की स्थापना आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने करी थी, उसी के अंतर्गत आज हम लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं। आज क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। माना जाता है ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि की स्थापना की थी। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के हेतु आज संस्था देवाश्री द्वारा प्रति चौराहे पर नववर्ष का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग भी इसी कड़ी में तिलक लगाकर बधाइयां देकर गुड़ धनिया देकर कार्यक्रम मना रहे हैं। उपेश ठाकुर, पार्षद। ये सब बताइए, किस प्रकार का आपने यहाँ पर आयोजन रखा है और क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर हुई है? सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की पूरे देवास नगर और पूरे जिले के सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदू नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज हम सब लोग यहाँ इस लाइन चौराहे पे केला देवी मंदिर उत्सव समिति के सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनें इकट्ठे होकर नए साल की बधाई दे रहे, शुभकामना दे रहे, तिलक लगा रहे और हमारे यहाँ 21 अप्रैल के मध्य आदरणीय दीदी माँ ऋतुम्बरा देवी जी की कथा संपन्न होने जा रही है। उस कथा को लेकर हम सब देवास नगर वासियों को आमंत्रण पत्र दे रहे और निवेदन कर रहे कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उस कथा को सफल बनाए। जय श्री राम। जय श्री राम।